सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। यज्ञम प्रवत्त भूतानां यज्ञ विष्णु प्रियागति। यज्ञ तो साक्षात विष्णु का ही रूप है। जहां भी यज्ञ रचा जाएगा भगवान वहां बिना जाए रह सकते। कोई दुष्ट भी करो, कोई पापी भी करे तो भी भगवान पहुंचते। यज्ञ का रूप ही भगवान है। यज्ञ ही पूजा, यज्ञ ही सेवा, यज्ञ ही स्वर्ग, यज्ञ विष्णु, यज्ञ ब्राह्मण, यज्ञ गुरु, यज्ञ ही सर्वत्र, यज्ञ सर्वस्व है हमारा। क्योंकि सृष्टि यज्ञ से ही पैदा हुई है। यज्ञ से आविष्कार होता है दुनिया का। आदमी ठंडा हो जाए तो सिवाय शमशान के कोई जगह या अग्नि है तो जिंदे हुआ। और इस शरीर को भस्म करना है तो अग्नि चाहिए। अग्नि भगवान का स्वरूप है, इसीलिए अग्नि का घर में यज्ञ होना चाहिए। बहुत हो गया अगरबत्ती फगरबत्ती ये बंद करो और घर में छोटा सा हवन शुरू करो, यज्ञ शुरू करो। छोटा सा, पांच आहुति पहले घी की और बाद में सात आहुति पदार्थ की, सामग्री की, औषधि जड़ी बूटियों को पीस के रखो और छड़ा दो घर में। भाई साहब बीमारी 100 किलोमीटर दूर रहती है। निमोनिया, बुखार, टाइफाइड ये सब नजदीक नहीं आते। जहाँ यज्ञ है वहाँ मलेरिया आता नहीं है। यज्ञ जहाँ तक खुशबू छोड़ता है 100-200 मीटर एरिया में यज्ञ की खुशबू रहती है। वातावरण पवित्र रहता है, यज्ञ के देवता का प्रभाव रहता है। वहाँ के मच्छर भी सात्विक हो जाते हैं, उनके डंक में विष नहीं रहता। इतना प्रभाव है यज्ञ का। अगरबत्ती का प्रभाव क्या है? अगरबत्ती का प्रभाव यह है, ये जो घर में मच्छर होते हैं कि नहीं, ये 50% डांस वाले, पर अगरबत्ती जिस घर में लगती है उस घर में 100% डांस हो जाता है मलेरिया वाला। अगरबत्ती की बांस से उसमें जहर प्रकट होता है, उल्टा हो जाता है सब। अगरबत्ती में सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ भी निकलता नहीं है, कुछ भी नहीं निकलता है। इसलिए गाय की गोरी सुखा के रखो, पीपल की, आम की, अमरूद की, बड़ की, इनकी लकड़ी सुखा के रखो। थोड़ी सी जला लो इतने से पात्र में, इतनी अंगूठा भर लकड़ी जला के उस पर भी कर दिया तो भी तुम्हें कोई कम पुण्य नहीं मिलेगा। हवन छोटा है पर पुण्य बड़ा ही रहता है। कर्म का पुण्य होता है। कर्म यज्ञ कर रहे हो बहुत बड़ी बात हो गई तुम्हारे लिए। 7 × 2 = 14, 14 ही मंत्र तो है। 14 मंत्र कर लोगे तो 14 साल के बनोवास से बच जाओगे।